वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देने वाले। तो लेटेस्ट अपडेट की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने फ्राइडे के दिन 112 लेवल के करीब यहाँ पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका है। यानी कि देखा जाए तो एक खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली थी। मीन्स यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 2-1 महीना हो चुका है तकरीबन। मूवमेंट की बात की जाए तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट हो रही है, क्योंकि 2 लेवल के बीच में मूवमेंट देखने को मिल रही है ज्यादा करके। तो देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक जो है वो ऊपर की जो 122 लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल एक्ट हो रहे हैं, और नीचे की जो है 110 लेवल है वो सपोर्टिव एक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक में। जैसे ये दोनों में से कोई लेवल ब्रेक होती है तो एक अच्छी मूवमेंट उस साइड देखने को मिल सकते हैं। जैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 3 जून को जो यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला था, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर ज़्यादा समय सेटल नहीं हो पाया तो फिर से गिरावट हो चुका था। और दूसरे दिन ही यहाँ पे आप देख सकते हैं और गिरावट देखने को मिली थी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक ने। और रिसेंटली नीचे देख सकते हो कि 110 लेवल तक आने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं मंडे के दिन, और वैसे फिर से बाउंस बैक हो सकता है बाइंग साइड में। और यहाँ पे देखा जाए तो वॉल्यूम भी इतने खास वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहे इस मंथ में। मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो बाइंग साइड में हल्की से अच्छी वॉल्यूम हो आ चुके हैं, पर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते पिछले मंथ में जैसे कि वॉल्यूम रहे थे, मीन्स पिछले मंथ से तो अच्छे वॉल्यूम इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं, पर भी यहाँ पे आप देख सकते अच्छे ब्रेकआउट और अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक ने। RSI की बात किया तो RSI भी देख सकते कि ओवरसोल्ड के जोन के तरफ यहाँ पे गिरावट होती हुई नजर आ रही है। और MACD की भी बात किया तो MACD भी देख सकते ओवरसोल्ड जोन में रिसेंटली ट्रेडिंग कर रहा है, जिसकी वजह से देख सकते कि ऊपर जाने के ऊपर एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिलता है तो एक देख सकते कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक अच्छा मौका मिल सकता है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के अंदर। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के लिए।